सब्सक्राइब करें टेक्निकल कैफे को, साथ में घंटे का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज आपको पिन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें या उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे चेक करें, दोनों इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि पिन कार्ड का स्टेटस कैसे चेक करें, मैं उसमें ये भूल गया था कि बिना एक्नॉलेजमेंट नंबर का पिन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें या पिन कार्ड का एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे जाने। तो मेरे को बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि बिना पिन एक्नॉलेजमेंट नंबर के पिन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें या एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे चेक करें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि बिना एक्नॉलेजमेंट नंबर का पिन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें या एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे चेक करें। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक, आधे में से कट ना करें या स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे और आधे में से कट करेंगे तो जान नहीं पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम शोभन भंडारी और आप देख रहे हो टेक्निकल कैफे यूट्यूब चैनल। भाई आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, और कमजूसी ना करें लाइक करने में, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और साथ में घंटी का बटन दबा लें। घंटी के बटन दबाने से क्या होगा कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगी, और साथ में और लोगों तक शेयर भी करें। इससे क्या होगा कि और जिन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग भी जान पाएंगे कि बिना एक्नॉलेजमेंट नंबर के कैसे पैन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें या एक्नॉलेजमेंट नंबर कैसे चेक करें। तो आप ज़्यादा बार ना करते हुए, आपको ज़्यादा नहीं पकाते हुए मैं वीडियो का आगे बढ़ता हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम से खोलेंगे, और गूगल क्रोम से खोलते हम इधर लिख लेंगे पैन कार्ड। जैसे कि मैंने पहले सर्च मार रखा है चेक पैन कार्ड स्टेटस एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसको हम ऐसा लिख कर क्लिक कर लेंगे और नीचे आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे हम, जो कि तीसरे नंबर पे मैंने पहले सर्च मार के रखा हुआ चेक किया आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि लोगों ने मेरे को बहुत परेशान कर लिया था, इसके लिए चेक करना बहुत ज़रूरी था। ट्रिक योर पैन कार्ड TNA एप्लीकेशन स्टेटस ट्रिक सर्च फॉर पैन कार्ड TNA। मैं इसका लिंक आपको नहीं मिलेगा, आपको सर्च करने पर नहीं मिलेगा, तो मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप इस पर क्लिक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर लीजिए, आपको नहीं मिलता है तो देख सकते हैं आप सेम पैन कार्ड का जैसे पहले वाला फॉर्म, जैसे पहले वाले वीडियो में बताया था सेम वैसे ही फॉर्म खुल चुका है। और हम इधर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमको पैन कार्ड हमारा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं पहले वाला चेक कर लेता हूँ, पैन कार्ड चेंज रिक्वेस्ट इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इधर आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे वो दे रखे हैं। इस पर हमको किससे चेक करने का है, एक्नॉलेजमेंट नंबर से चेक करने का, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर पर रहने देंगे। और जैसे हमको हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं है, जो कि मैं दोबारा इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं है, हमको नाम से चेक करने का, तो हम नाम पर क्लिक कर लेंगे और इधर अपना नाम भर लेंगे सही सही, जो भी हमारा हमने पैन कार्ड बनाते समय दे रखा है वही नाम वही मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे। जैसे कि मैं इधर मैंने जैसे कि पहले ऑलरेडी मेरा आ चुका है, इसके लिए मेरे को अभी नहीं खुलेगा, खुलेगा मगर गलत बताएगा, देख सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट नाम भर लिया सिंह सोवन जो भी है मेरा, और मोबाइल नंबर भर रखा है मैंने पहले से ऑलरेडी, मैं इनको भर लूँगा और नीचे डेट ऑफ बर्थ भर लूँगा, जो भी मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो भर लिया। और अभी जो आपका ऐसे ऐसे ही भरे, नहीं तो आपका गलत भरेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, गलत आ जाएगा आपका। और जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो भर लेते हैं और सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं, देख सकते हैं आप इधर पर खुल चुका है, इधर पर खुल चुका है देख सकते हैं आप, जो कि मेरा ये पहले ही ऑलरेडी बन चुका है, 6/13 को बन चुका है, 6/2013 में बन चुका है, ये ऑलरेडी आ चुका है, मेरे को दिखा रहा है कि आपका ऑलरेडी आ चुका है। और अगर आपका नहीं आया हो तो आपका इधर एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, और आपका नाम जो भी आपका पैन कार्ड का पूरा आ जाएगा, इधर स्टेटस पूरा आ जाएगा और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर लेकर दोबारा चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया उस ढंग से चेक कर सकते हैं, या आपका नाम आ जाएगा देख सकते हो आप, आपका पूरा स्टेटस आ जाएगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक बनता है वीडियो के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का बटन साथ में दबा ले, क्योंकि हम ऐसे शॉर्ट ट्रिप्स लेके आते रहते हैं, और साथ में और लोगों तक भी शेयर करें भाई। हर लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, इस ट्रिक के बारे में नहीं जानते, इसके लिए और लोगों तक भी शेयर करें भाई, हर आदमी को जानना जरूरी है हर चीज़ के बारे में, हर आदमी नहीं जानता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे मगर बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। मैंने आप लोगों के लिए यह वीडियो स्पेशली बनाई, जिन्होंने मेरे को कमेंट्स किया मैं उनके लिए स्पेशली यह वीडियो बना रहा हूँ, और उन लोगों को थैंक यू भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को यह एहसास दिलाया कि हर आदमी के पास एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं होता है। मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक और कंटेंट दिया। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में।